परसेंटर्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेके आ चुके हैं सेकंड हैंड की बाइक की कलेक्शन। जैसा कि आप लोगों ने काफ़ी सारे डिमांड किया थे वीडियो में, हमारे कमेंट किए थे कि आपको बाइक के कलेक्शन देखना है, तो एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेके आ चुके हैं सेकंड हैंड की बाइक की कलेक्शन। यहाँ पे क्या प्राइस से स्टार्टिंग हो जाती है बाइक वगैरह, और फाइनेंस की सुविधा रहती है नहीं रहती है, एड्रेस वगैरह क्या पड़ेगा, सब कुछ हम लोग जानेंगे इस वीडियो पे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं हमारे आदर्श भाई से और जानते हैं सब कुछ। आदर्श भाई कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया भैया। एक बार हमारे ऑडियंस को अपना इंट्रोडक्शन दे दें, कैसे पहुँचेंगे और क्या वगैरह बाइक वगैरह कितना स्टार्टिंग प्राइस हो जाता है यहाँ पे। देखिए आप लोग को असरफी के तरफ से अगर आप आते हैं तो यहाँ कुर्मीडी चौक से लेफ्ट में जो है 200 मीटर आगे जो है बाइकर्स बाइकर्स के नाम आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी ऐसा कुछ इशू रहेगा तो आपको डिस्प्ले में आपको नंबर मिलेगा, आप आराम से उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आदर्श भाई अगर किसी को बाइक वगैरह लेना रहेगा तो स्टार्टिंग प्राइस कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ तो 15,000 से लेके 2,00,000 तक आपको बाइक मिल जाएगा। 15,000 से स्टार्टिंग प्राइस रहेगा, बाकी आप जिस कंडीशन में बाइक लेना चाह रहे हैं उस अकॉर्डिंग प्राइस मिलेगा। तो फाइनेंस वगैरह का सुविधा रहता नहीं? क्रेडिट कार्ड से फाइनेंस हो जाएगा। तो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप आराम से बाइक लेके जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले कौन सा आज बाइक देखते हैं हमारे ऑडियंस? देखिए सबसे पहले हम लोग आज देखते हैं 2021 मॉडल जावा। तो चलिए जावा दिखाते जाके, जो कि हमारे भाइयों को बहुत ज्यादा डिमांड रहता है ना। हाँ, ये जावा 2021 मॉडल है। ओके, और 27,000 किलोमीटर चला हुआ ये। मात्र 27,000 जेन्युइन है ना सर? एकदम जेन्युइन 27,000 रनिंग है, बहुत कम रनिंग मिलेगा आपको देखने को। और प्राइस का क्या पड़ेगा इसका? 1,00,000। देखिए 1,10,000 है इसका दाम। ओके, आइएगा, नेगोशिएबल है। तो 1,10,000 प्राइस रखा गया, आइएगा तो आपको नेगोशिएशन मिल जाएगा, ऑन द टेबल बात कीजिएगा, आराम से डिस्काउंट मिल जाएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल के थ्रू आते हैं तो स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा ना? स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। चलिए बाकी आप कंडीशन देख ले, सामने से देख ले, टायर वगैरह काफी सही है, इंजन वगैरह ऐसा नहीं है ना लेने के बाद कोई खर्चा वगैरह करना? नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए ये कुछ रहा गाड़ी, आप आराम से लेके जा सकते हैं, कलर वगैरह काफी सही कंडीशन में है। इसके बाद हम लोग देखते हैं सामने पल्सर का गाड़ी है। देखिए पल्सर 180 है, ठीक है, 2021 मॉडल है, ये भी 2021 मॉडल है। 65,000 रुपए इसका जो है प्राइस है, प्राइस रखा गया 65,000। नेगोशिएबल है ये भी, नेगोशिएशन देखने को मिल जाएगा, ऑन द टेबल आप बात कीजिएगा। टायर वगैरह आप देख सकते हैं सामने से, टायर कंडीशन काफी सही है, आसानी के लेने के बाद आपको अलग से खर्चा करना पड़ेगा ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आराम से आए और गाड़ी लेके जा सकते हैं, ब्लैक कलर में है देखने को, ऐसा इसमें भी कोई खर्चा वगैरह नहीं, कोई खर्चा नहीं। ये कुछ हो गया, इसके बाद हम लोग देखते हैं और भी कुछ बाहर में कुछ बाइक वगैरह रखी हुई है उसको हम लोग देखते हैं। इसके बाद कौन सा बाइक देखते हैं हम लोग? देखिए ये स्कूटी है 2019 मॉडल डेस्टिनी, ठीक है, डेस्टिनी 2019 मॉडल है। 45,000 रुपये इसका दाम, 45,000 रखा है उसमें जितनी भी बाइक या स्कूटी जो भी दिख रही है ना, नेगोशिएशन मिल जाएगा। मैं बार बार रिपीट नहीं कर पाऊंगा बट पहले आपको बता दे रहा हूँ, स्कूटी है 2022 की मॉडल है ना, 2022 की मॉडल है। प्राइस कितना बताया आपने? 45,000 ऑन द टेबल नेगोशिएशन रहेगा। ऑनरशिप कितना रहेगा इसका, फर्स्ट या सेकंड? नहीं फर्स्ट ऑनर, फर्स्ट ऑनर की गाड़ी है और ये बोकारो नंबर स्टेट स्कूटी मिल जाएगा आपको। उसके बाद क्या, इसके बाद हम लोग देखते हैं एक और धनबाद नंबर स्टेट गाड़ी है, होंडा की गाड़ी है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए ये है लीवो 2022 मॉडल है, 2022 की मॉडल है, 65,000 रुपया दाम रखा गया है, 65,000 प्राइस रखा गया, बाकी ऑन द टेबल नेगोशिएशन रहेगा। बाकी मैं आपको टायर कंडीशन दिखाना चाह रहा हूँ इस गाड़ी का, आप देख सकते हैं टायर कंडीशन काफी सही कंडीशन में है, आसानी के लेने के बाद आपको अलग से टायर वगैरह लगवाना पड़ेगा ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा, आप आराम से लेके जा सकते हैं। धनबाद नंबर रजिस्टर्ड है, अगर आप धनबाद से देख रहे हैं तो ये गाड़ी आपके लिए और बेहतरीन रहेगा। इसके बाद और कौन सा गाड़ी देखेंगे? देखिए पैसन देखते हैं, प्राइस एक बार कितना बताया आपने? 65,000 प्राइस। इसके बाद एक और गाड़ी देखते हैं, पैसन देखते हैं, पैसन प्रो। पैसन प्रो इसका क्या पड़ेगा? 2021 मॉडल है, ये आपको पड़ेगा 65,000 है इसका भी प्राइस, और 2021 की मॉडल है, मतलब रिसेंटली जो भी आपको दिखा रहे ना सारे बाइक एंड स्कूटी रिसेंटली का, ऐसा नहीं कि काफ़ी पुराना है, ऐसा कुछ नहीं। इसमें भी टायर कंडीशन काफ़ी सही है, आप देख सकते हैं 65,000 है ना ऑनरशिप, ये भी फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट ओनर है। इसके बाद एक और देखते हैं, हीरो की बाइक है, इसका क्या पड़ेगा? ये आपको लास्ट पड़ेगा 52,000। ओके 52,000 है, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट ओनर, ये भी फर्स्ट ओनर की गाड़ी है, 52,000 नंबर है, बोकारो नंबर रजिस्टर्ड बाइक है और देखने में काफ़ी सही है। बाकी अगर आप सामने से आके विजिट करें तो आपके लिए और मतलब अच्छा रहेगा ना कि आप सामने से आके देखेंगे, ठीक है। इसके बाद और कौन सी गाड़ी? और भी बहुत सारी गाड़ियां हैं। हाँ, और एक चीज़ आपको बता दे रहे हैं, अगर कोई ऐसा गाड़ी जो इस वीडियो में नहीं है, अगर वो लोग कस्टमर डिमांड करते तो वो बाइक अवेलेबल हाँ, अवेलेबल हो जाएगा, तो आप आराम से कॉन्टेक्ट करें, डिस्प्ले पे जो भी नंबर आपको दिख रहा है वैसा कुछ गाड़ी चाहिए अगर आप लोगों को, आराम से ऑन डिमांड मिल जाएगा गाड़ी देखने को आप लोगों को।
इसके बाद और कौन सा गाड़ी देखते हैं हम लोग? ये देखते हैं कम प्राइस में जो है। चलिए हाँ, माइलेज वाली गाड़ी दिखाते हैं आपको, क्योंकि काफी हमारे भाइयों का डिमांड रहता है ना माइक माइलेज के लिए बाइक चाहिए। ओके, इसका क्या रहेगा प्राइस? 48,000 रुपए। 48,000। इसमें भी नेगोशिएबल हो जाएगा। 48,000 है। फर्स्ट ओनर की गाड़ी है ना ये? हाँ, फर्स्ट ओनर। धनबाद रजिस्टर्ड है या कहीं और की है? नहीं नहीं, ये धनबाद ही। ओके, धनबाद नंबर रजिस्टर्ड बाइक है। काफी खूबसूरत है, आसानी के लेने के बाद कुछ खर्चा वगैरह कहीं भी ऐसा स्क्रेच वगैरह देखने को नहीं मिल रहा। बाकी आप सामने से देखेंगे तो और बेहतरीन अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। इसका प्राइस एक बार फिर से बता दीजिए। 48,000। उसमें भी ऑन द टेबल नेगोशिएशन रहेगा। बाकी आप आराम से आए और गाड़ी लेके जाए। ज़्यादा डिटेल्स पे हम लोग नहीं बात करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है और आप लोगों के लिए आप लोगों का ज़्यादा डिमांड रहता है कि शॉर्ट इन्फॉर्मेशन जितना हो सके उतना दें। तो चलिए आप लोगों को और एक बाइक दिखा दे जो कि सामने दिख रही है, पैशन प्रो की गाड़ी है। इसका क्या कुछ पड़ेगा प्राइस? 2019 मॉडल है। ओके, इसका आपको पड़ेगा 52,000। 52,000 है प्राइस। 2019 की मॉडल है। फर्स्ट ओनर है? फर्स्ट ओनर की बाइक है। 2019 की मॉडल है। टायर वगैरह से आप देख ले, काफ़ी सही कंडीशन में है। बाइक लेने के बाद ऐसा कुछ खर्चा वगैरह मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। आप सामने आके देखें तो और अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे। 2019 की मॉडल है, फर्स्ट ओनर है, धनबाद नंबर रजिस्टर्ड है ना? हाँ। ओके, एक और देखते हैं ड्यूइट। स्कूटी काफ़ी डिमांडिंग में रहती है। इसका क्या कुछ? 2016 मॉडल है। ये आपको 32,000 पड़ेगा प्राइस। 32,000 इसका प्राइस रखा है। 2016 की मॉडल है। रनिंग काफ़ी कम है इस स्कूटी की। तो अगर आप स्कूटी लेना चाह रहे हैं, कम प्राइस में लेना चाह रहे हैं, आराम से आके ले सकते हैं। माइलेज इसका कैसा मिल जाता है? बहुत अच्छा माइलेज है इसका जो है। देखिए, स्कूटी का तो माइलेज उतना नहीं रहता है, पर 50+ माइलेज है। 50+ माइलेज हो जाएगा। अगर आप 50 भी दे रहा है ना तो बहुत सही दे रहा है माइलेज आपको। आराम से इसको ले सकते हैं। कलर काफ़ी खूबसूरत है। ये भी आपको धनबाद नंबर रजिस्टर्ड मिल जाएगा। इसके बाद और एक स्कूटी देखते हैं हम लोग। एक्टिवा है, 2019 मॉडल। ओके, 12,000 किलोमीटर मात्र चला हुआ है। 12,000 बहुत एकदम नया गाड़ी है। 12,000 है, मतलब काफी कम चला हुआ है। मेरे को लगता है 3-4 महीने का होगा ना। कितना मॉडल बताया आपने? ये आपको 2019 मॉडल। 2019 है, मतलब रनिंग काफी कम है ना। 52,000 इसका दाम रखा गया। 52,000 प्राइस रखा गया। बाकी ऑन द टेबल नेगोशिएशन इसमें भी रहेगा। ये भी धनबाद रजिस्टर्ड है। ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं एक लास्ट है, पल्सर है ना? पल्सर। पल्सर देखते हैं, काफ़ी हमारे भाइयों का डिमांड रहता है पल्सर का। 125 सीसी कम सीसी में अच्छा कंडीशन वाला बाइक है। 2021 मॉडल गाड़ी है ये। ओके, और 62,000 इसका दाम जो है। 62,000 ऑन द टेबल नेगोशिएशन। 62,000 है। 2021 की मॉडल है, फर्स्ट ओनरशिप की बाइक है। बाकी आप टायर कंडीशन देख ले, काफ़ी सही टायर कंडीशन दिख रही है मेरे को। कहीं से कुछ ऐसा स्क्रैच नहीं है और ना ही एक्सीडेंटल, तो ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। और एक चीज़ कुछ एक्सीडेंटल, कोई भी स्कूटी आपको, कोई भी गाड़ी एक्सीडेंटल देखने को नहीं मिलेगा। आप आराम से आए। एक बार फिर से हम लोग एड्रेस वगैरह रिपीट कर देते हैं, क्या कुछ पड़ेगा? देखिए, अगर आप सिटी सेंटर के तरफ से आते हैं तो मेमको मोड़ से, ओके, आगे फुटबॉल जो है स्टेडियम है, वहाँ से 100 कदम आगे जो है। बाकी अगर कुछ भी ऐसा इशू रहता है ना, तो आप डिस्प्ले पे जो नंबर देख रहे हैं, आप आराम से उस पर कॉन्टेक्ट करके आ सकते हैं, ऐसा कुछ भी इशू रहता है। बाकी फाइनेंस सुविधा के लिए तो मैंने बोल दिया आपको कि क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है तो फाइनेंस करके लेके जा सकते हैं। और 15,000 से 20,000 में स्टार्टिंग प्राइस हो जाती है यहाँ पे। बाकी ऐसा कुछ भी गाड़ी यहाँ जो छूट गया है तो आप ऑन कॉल बात करके वो गाड़ी आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा ना। हाँ, चलिए तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।